Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 2.3 of unit 2 in your English literature book, that is about the topic flats and flats. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 52 in your English literature book and start read from the top of the page. Number 2, the second flat. Students, you know, in the first class, we have already studied about the first flat. Today in this class, we are going to study about the second flat. Okay, so let's read. The second flat is 2 minutes walk from the town center, which is really convenient for shopping and so on. And so on means used in the sense of etc. Okay, so on is used in the sense of etc. So jo second flat hai, Nancy Smith ne jo सेकेंड फ्लैट देखे हैं, वो फ्लैट टाउन सेंटर से 2 मिनट्स का वॉक वे है ना? एंड उसी फ्लैट से शॉपिंग करना या दूसरे कुछ वॉक के लिए मार्केट में जाना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत एडवांटेजियस है. ओके, सो नैन्सी स्मिथ ने जो सेकंड फ्लैट देखे हैं, वो सेकंड फ्लैट टाउन सेंटर से 2 मिनट्स का वॉक वे है, जहां से मार्केट, शॉपिंग मॉल सब कुछ बहुत ही पास है ना? कोई इस फ्लैट में रहेंगे तो शॉपिंग या दूसरे कुछ वर्क बहुत फेवरेबली हो जाएगा, है ना? The flat is centrally air cooled. The flat is centrally air cooled. ये जो flat है, ये flat centrally air cooled flat है. Okay? It is got a marvelous fireplace in the kitchen, but which is not really necessary. इस flat का जो kitchen है, उस kitchen में एक marvelous fireplace है, जो कि बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है. ओके, इस फ्लैट का जो किचन है, उस किचन में एक मार्वेलस फायरप्लेस है, जो कि बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है. हाउ एवर इट वुड बी ग्रेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट इन द कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉचिंग द फ्लेम्स, बट विंटर सीजन में विंटर सीजन का जो इवनिंग्स है ना, विंटर सीजन के इवनिंग में उस फायरप्लेस के सामने बैठकर उसका फ्लेम जो है उसको वॉच करना बहुत ही मजेदार रहेगा. द किचन इज नियरली एज बिग एज दोज यू फाइंड इन रेस्टोरेंट्स. इस फ्लैट का जो किचन है, वो इतना बड़ा किचन है जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में देखते हो, है ना? रेस्टोरेंट्स जैसे बहुत बड़ा किचन है इस फ्लैट में. बट बोथ द बेडरूम्स आर टाइनी. बट जो दो बेडरूम्स जो है, वो बहुत ही छोटा है. देयर इज जस्ट इनफ रूम फॉर द बेसिक बेडरूम फर्नीचर एंड नथिंग एल्स. उस बेडरूम में जो बेसिक बेडरूम फर्नीचर्स है, उसको रखने से फिल अप हो जाएगा. ऐसा ही छोटा बेडरूम है वो. अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फ्लैट इज दैट द पीपल नेक्स्ट डोर ऑब्वियसली एंजॉय प्लेइंग लाउड म्यूजिक. ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली. ओके, इस फ्लैट का एक अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, वो है नेक्स्ट डोर में जिन लोग रहते हैं, इन लोग लाउड म्यूजिक प्ले करना बहुत ही पसंद करते हैं.
They were also yelling at one another when I was there. Yelling means shouting loudly in excitement or anger, है ना? Means बहुत ही झगड़ा करते हैं इन लोग, ठीक है? So Nancy Smith बोल रहे थे कि नेक्स्ट डोर में जिन लोग रहते हैं उन लोग एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे थे, बहुत लाउड वॉइस में बात कर रहे थे जब मैं उधर थी. आई कुड हियर देम क्वाइट क्लियरली आर्गुइंग विथ ईच अदर. मैं सुन रही थी कि उन लोग एक दूसरे के साथ क्लियरली आर्गुइंग कर रहे थे. ऑन द पॉजिटिव साइड देयर इज एन एनॉर्मस बैल्कोनी हाफ कवर्ड इन अ ग्रेपवाइन. एनॉर्मस मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, है ना, बहुत बड़ा. ग्रेपवाइन मीन्स अ क्लाइंबिंग प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ग्रेप्स. ओके, ऐसा एक क्लाइंबिंग प्लांट्स जिससे ग्रेप्स प्रोड्यूस होता है ना, ग्रेप्स ग्रो करता है. उसके बाद नैन्सी स्मिथ बोल रहे हैं कि और एक पॉजिटिव साइड है इस फ्लैट का. ओके, इस फ्लैट का और एक पॉजिटिव साइड है, वो है इस फ्लैट का जो बैल्कोनी है ना वो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ा है ना. और बैल्कोनी का जो आधा साइड है वो ग्रेप वाइन से कवर्ड है ना. व्हेन यू सिट आउट देयर यू कैन सी राइट ओवर द सिटी एंड वॉच चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क बिलो. जब आप उस बैल्कोनी में बैठोगे तब आप इस सिटी का पूरे साइट देख पाओगे, है ना. जब आप इस बैल्कोनी में बैठोगे तब आप सिटी का पूरा साइट, है ना, आप देख पाओगे. और आप देख पाओगे कि नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ये साइट भी आप देख पाओगे. इट इज फैंटास्टिक. ये बैल्कोनी जो है ये बहुत ही फैंटास्टिक है क्योंकि इस बैल्कोनी में बैठने से सिटी का पूरे साइट आप देख पाओगे और नीचे पार्क में बच्चे जो खेलते हैं उसको भी आप देख पाओगे. ये चीज बहुत अच्छा है, नैन्सी स्मिथ बोल रहे हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.